रहे हो अच्छा एक जितना मैं काम करियो, खुश हो रही हूँ। इस हाँ टाइम बोल। पर ना चाय छानने वाली छन्नी हटा दियो घर में से, क्योंकि इतनी सुइयां घुसवाने के बाद मैं छन्नी छन्नी हो गया। बस मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी अंदर आने का। अंकल बैठे या अंकल नहीं बैठे? बच गया अंकल हो रहे यार। क्या आवाज आई मुझे लग रहा है। आइयो आइयो, किसकी आवाज आ रही है? गाइस एक टाइम हुआ करता था जब छोटे थे, स्कूल जाते थे तो सोचते थे यार कॉलेज जाएंगे आराम से सोएंगे। उसके बाद एक टाइम आया कि चल भाई ड्यूटी पे जाएंगे तब आराम से सोया करेंगे। शादी हो गई, बच्चे हो गए, साला वो टाइम आज तक आया ही नहीं। बात तो सही है। पहले अपने लिए जल्दी उठा करते थे, अब बच्चों के स्कूल छोड़ने के लिए जल्दी उठा करते हैं। तो मैं से एक बच्चा मेरा ऑलरेडी जा चुका है, उसको मैं छोड़ के आ गया हूँ। सेकंड बच्चा मेरा नीचे रेडी हो रहा है, चले देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। चाय बना रही है उसकी। अभी तैयार हो गया है बेटा? तैयार हो गए बाबू? है वेरी गुड। और देखो सुबह सुबह मेरा बच्चा सत्संग देखता है, बहुत अच्छा बाबू है ना। इससे इनको शिक्षा मिलती है कि बेटे आप क्या हो, कौन हो, जमीन से जुड़े रहो, कैसे रहो। इसलिए सुबह सुबह सत्संग देखता है लड़का, है ना बेटा? अच्छा उठ के तो बैठ जा, नींद से तो उठ ही निकली। ये डेली उठ के ना, डेली उठ के तैयार होके दोबारा यहाँ पे फैल जाएगा, सो जाएगा, और जब इसकी चाय आएगी तब ये उठेगा। अब भैया तो गया स्कूल पहले ही, अब भैया को मम्मा आएंगी ना, आएगा जब वो तब दिखा देंगी, है ना भाई? चलो भाई, चलो भाई, रेडी हो रहा है, इसको छोड़ के आते हैं। और मम्मी मम्मी वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। और है ना कल मुझे फीवर हो रहा था तो मैंने शाम को भी डोलो खा ली और इन्होंने मुझे रात में भी डोलो खिला दी। अब वो डोलो इतनी हैवी हुई ना, पूरी रात नहीं सोई मैं, इतनी बेचैनी हो रही थी। और ये कहते हैं कि डोलो से कुछ नहीं होता। आप लोग बताओ डोलो कुछ हैवी डोज है या नहीं? मैंने मम्मी को बताया ना, मम्मी चिल्ला देगी, दो टाइम खाने की क्या जरूरत है? दवाई खाने से बेचैनी सी हो तो सबसे पहला काम होता है कि घर में जो फ्रूटी वगैरह जूस वगैरह बड़ा है वो उठा के पी लो। अरे वही है ना, नीचे कौन आए फ्रूटी लेने, पड़ी तो थी फ्रूटी पर नीचे कौन आता था मेरे। बेटा लिफ्ट लगवा लो ना इस सिंगल फ्लोर के घर में भी। है बस में नहीं है मेरे। बाल्टी टांग देता हूँ छज्जे से, उसमें बैठ कर जाया कर। ये आइडिया सही है यार, टप में आऊंगी मैं, बाल्टी में तो टप में भी नहीं आएगी तू, टप में आ जाऊंगी, बड़े वाले ड्रम में आ जाऊंगी। नहीं तो अगर उस हिसाब से बात कर रहे तो उस हिसाब से तू टप में भी नहीं आएगी, तेल सिंटेक्स होता ना वो लटकाना पड़ेगा उसमें आएगी तू, है ना बेटा? है नहीं? मम्मी तुमने क्या बना दिया आज? आलू गोभी। भाई मम्मी ने सुबह सुबह आलू गोभी की सब्जी बना दी है और बड़ी अच्छी सी लग रही है, खाने में मज़ा आ जाएगा। और अभी ना मम्मी भी रेडी होना शुरू करेंगी क्योंकि मम्मी को भी अपने ऑफिस जाना है। सो अब मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ स्कूल से, उनका टाइम हो गया है तो मुझे 1-1.5 घंटे पहले निकलना पड़ता है क्योंकि आईयू की पहले छुट्टी होती है आपको जैसे पता है। तो अब मैं निकल रही हूँ, टाइम हो चुका है स्कूल से लाने का। और मेरा गला भी अब ना और ख़राब हो गया मुझे लग रहा है क्योंकि मैं बात ऐसे बोल रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी ही डबल डबल आवाज़ आ रही है। तो दवाई मैं खा चुकी हूँ लेकिन अगर आराम नहीं पड़ा तो फिर मैं चेंज करूँगी दवाई, ठीक है? तो चलिए मैं पहले बच्चे ले आती हूँ। क्या कर रहे हो? तू अंदर ही अंदर कितनी खुश है ना, तो मुझे सब पता लग रहा है। इतनी खुश तो मैं अपनी शादी पे भी नहीं हुई थी जितनी खुश मैं आज हो रही हूँ। तू शादी पे खुश हुई थी? नहीं तब तो हुई थी, बाद में पछता रही थी मैं। वो तो मेरा हाल है। ये है, ये लॉलीपॉप नहीं है ये सब।
सिरिंज है, इंजेक्शन है, ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये देख रहे हो ना, ये सारी सिरिंज है और ये सारी सिरिंज मेरे लगने वाली है। सो डॉक्टर साहब ने बोला भैया सुइयों के रास्ते, सिरिंज के रास्ते ये सारा विटामिन जो है ना अपनी बॉडी में डलवाओ। और बड़ी मजे की बात है, ये सारी सुइयां ना ऐथे लग रही हैं। हाँ जी पुपुते, मम्मी का फोन आ रहा है, बात करो फिर। मम्मी नहीं आ जाओ, तो मैंने तो सुई लगवाने जाना है, इसलिए तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आशीर्वाद लेके जाओ ना सुई लगवाने। हाँ तो वही है, सारी सुइयां लगवाने जा रहा हूँ, इसलिए लड़की बहुत बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस मन तो मैं बता तो रही थी, अपनी शादी में भी खुश नहीं हो रही, जितना चाय छानने वाली छन्नी हटा दी घर में से, ऊपर से डॉक्टर साहब ने बोला है कि ये 2 mm की छोटी पड़ रही है सुई, बड़ी वाली लेकर आओ, कम मोटी है, 3 mm की लेके आना, सुई थोड़ी मोटी होती है और बड़ी होती है। मोटी सुई लग रही है मेरे को लगता है, मोटी तो मरवाएगी मुझे, मैं अपने इंजेक्शन चेंज करने आया था, ये अपनी दवाई लेने बैठ गए यहाँ पे, और ये आ गए हमारे भाई साहब हमारे साथ ही, और भैया ये डॉक्टर पे हम आ गए, मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी अंदर आने का, हट अंकल बैठे, अंकल नहीं बैठे बच गया, अंकल हो रहे यार, तू इतनी खुश क्यों हो रही है, ये अंकल इतनी खुश रहती है, मेरे इंजेक्शन लगता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता इसका, इसकी भी लगा देना आज। इनके इंजेक्शन लगने गया है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकती सॉरी, पर लगने का वेट कर रही हूँ, वो दर्द मैं देखना चाहती हूँ। क्या आवाज आई मुझे लग रहा है। आई हूँ, आई हूँ, किसकी आवाज आ रही है। आई तेरे भी लगेगा, आई तेरे भी लगेगा, तेरे भी लगवाती हूँ मैं। अच्छा खासा आया था, अभी ऐसा लग रहा है एक टांग छोटी बड़ी हो गई है मेरी, और ये देखो कितना दांत दिखा रही है, अभी पिटेगी आज घर जाके सही में। सो गाइस आज ट्यूसडे भी था तो मैं मंदिर आ गया हूँ, और मंदिर से अब मैं घर जाऊंगा, तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर मुझे बता देना, अच्छा लगा तो लाइक कर जाना और चैनल पर नीचे सब्सक्राइब कर जाना, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइज़।